क्या मटका कहाँ गया? ओ बेटा। जी पापा जी। अरे वो मटका कहाँ गया? अरे वही मटका जो भंगू मेरे लिए लाया था पानी का। अच्छा वो मटका वो यहाँ रखा है। नीचे नीचे क्यों रख दिया तूने? पापा जी मैं वो सफाई कर रही थी यहाँ पर इसलिए नीचे। अरे सफाई कर रही थी तो यहाँ उठा कर नहीं रख सकती थी क्या? पापा जी सॉरी। सॉरी की बच्ची एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती है। चल यहाँ से। पापा जी को हो क्या गया है? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? इतने गुस्से में क्यों है? क्या हो रहा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है शायद। पापा जी कहाँ चले गए? पापा जी, पापा जी आप ठीक तो है ना? पापा जी जवाब दीजिए। पापा जी, पापा जी, बेटा तुम इतना घबरा क्यों रही हो? पापा जी। हाँ हाँ बेटा मैं हूँ पापा जी। आप तो अंदर थे ना कमरे में दीवार पर लटके हुए। दीवार पर लटका हुआ? अरे बेटा सवेरे से अब तक तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? नहीं मैंने खुद देखा था आपको, आप दीवार पर लटके थे ऐसे। बेटा कोई बुरा सपना देखा होगा। देखो तुम दिन भर काम करते करते इतना थक जाती हो, पूरे घर का बोझ तुमने अपने सिर के ऊपर ले रखा है। अरे बेटा थोड़ा आराम किया करो तो ये उल्टे सीधे सपने नहीं आएंगे। हाँ पापा जी शायद आप सच बोल रहे हैं। मैं चाय बनाती हूँ, मेरी सहेली आने वाली है। हाँ बेटा तुम चाय बनाओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। पता नहीं क्या हुआ रात को नींद ठीक से नहीं आई। अच्छा हे भगवान कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? हे भगवान मेरा दिमाग ठिकाने रखना, पूरे 11 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगी मैं।